डिस्प्ले लाइट से संबंधित आपके पास कोई परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो आप इस वीडियो को देख के आप ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट ऐसा मैं बताऊँगा, सब कुछ ठीक होने के बाद में भी आप उसे रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो चीज़ आपको समझना है वीडियो, और के में अंतर क्या है पहले ये आपको समझना है। किस पॉइंट 8 से 4.2 तक चार्ज था, बैटरी लगाएं, डायोड के प्लस पे चेक करें, वोल्टेज इतना है, तो इसका मतलब है कि बूस्ट कॉइल ओके, बीपीएस पावर लाइन हमारी ओके। ये डिस्प्ले आया इसके अंदर, क्या हुआ डिस्प्ले आ रहा है आप देख सकते हैं, था सब कुछ ओके था, लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है, देखिए ग्राउंड हुआ कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन को आसानी से बना लेंगे, सब कुछ ओके है, डिस्प्ले लाइट आईसी है, तो आपको क्या करना है उसको ये देखना है कहीं स्विचिंग ब्रेक। फिर से हमारे आज एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से रहेगा, ना ही यूट्यूब पे आपने देखा होगा और ना ही देखने को मिलेगा। आज जो हम वीडियो आपको बना के देंगे इस तरीके से बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे हमारे वीडियो के बाद में, बहुत सारे भाई इनको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा डिस्प्ले लाइट सेक्शन के ऊपर रहेगा विद प्रैक्टिकल, किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है प्रूफ के साथ आज आपको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो फीस है 3000 है, किसका ऑनलाइन का, होली के बाद 12 मार्च से जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसका फीस 3000 रुपये। इसमें कुछ सीटें खाली बची हैं, आप होली के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक महीने की क्लास रहेगी, भारत में VIP पहली बार लाइव क्लास हो रही है, जैसा आप मेरे को यूट्यूब पर देखते हैं ऐसे इस तरीके से लाइव क्लास में देखेंगे। तो आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यदि कॉल नहीं उठा पाते तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें। फीस 3000 है हमारा, ठीक है, तो पूरा एक महीने का कोर्स रहेगा बेसिक से एडवांस तक कम्प्लीट। इसके बाद देखिए इसमें क्या रहेगा हमारा जो है, यहाँ पे ऑफलाइन के लिए मैं बता देता हूँ। इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको अच्छे से देखना है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, सब्सक्राइब कर लें। देखिए 21000 हमारा फीस है, रहना खाना फ्री है, 21000 फीस है, रहना खाना फ्री है, कम्प्लीट रहेगा इसमें चिप लेवल बेसिक से एडवांस तक। मार्च का बैच फुल है, मार्च में हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है, मार्च में कोई जगह खाली नहीं है, अप्रैल मई की बुकिंग चालू है, अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं, आप आना चाहते हैं तो अपना अप्रैल का बुकिंग करा सकते हैं और मई का भी करा सकते हैं। 21000 में रहना खाना फ्री है, ऑनलाइन क्लास जो हमारी हर महीने 12 तारीख से स्टार्ट होती है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले आपको समझाऊँगा, एक बोर्ड लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे कि ये हमें इसमें मॉडल से कोई मतलब नहीं, हमारे को इसमें क्या है कि किसी भी मॉडल से कोई मतलब नहीं है कि मॉडल कौन सा है, आपकी प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आनी। देखिए ये जो डिस्प्ले रखना है कि जो मैं यहाँ पे आपको बातें बताऊँगा इन बातों में ध्यान रखना है। यदि आपके पास डिस्प्ले लाइट से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, डिस्प्ले लाइट से संबंधित आपके पास कोई परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो आप इस वीडियो को देख के आप ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट ऐसा मैं बताऊँगा, सब कुछ ठीक होने के बाद में भी आप उसे रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो चीज़ आपको समझना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर मैंने बनाया, एक स्क्रीनशॉट लिया है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो लाइन है हमारी सबसे पहली लाइन यहाँ से निकलती है इस तरीके से, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका, ये लाइन निकलती है और सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ये लाइन यहाँ से निकलती है, इस लाइन को कहते हैं हम क्या, LED A। इसके बाद यहाँ से दो लाइनें हैं हमारी, ठीक है, एक पॉइंट इसका छोड़ेंगे, इसके बाद दो लाइनें हैं आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से लाइन दो हैं लेकिन आगे जाके एक ही होती है हमारी, एक ही लाइन है, इसको कहते हैं LED K। LED D A और K में अंतर क्या है पहले ये आपको समझना है, किसी भी फ़ोन के अंदर आ जाती है, इसका पूरा प्रूफ दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ क्या से क्या प्रॉब्लम आती है। इस लाइन पे क्या होता है हमारा बूस्ट बोल्ट आता है, क्या होता है इसके अंदर बूस्ट बोल्ट बनते हैं, ये जो लाइन होती है ये होती है हमारी फीडबैक की, ये लाइन होती है हमारी किसकी फीडबैक की, फीडबैक का मतलब होता है जब आप इस पर डिस्प्ले लगाते हैं, जब हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है तो ICU को सिग्नल मिलता है एक फीडबैक सिग्नल की, हमारा फीडबैक सिग्नल है इसके अंदर। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई, इतना आपको समझ में आया होगा, यदि ये समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसको मैं क्लीन करता हूँ फिर आपको आगे का पॉइंट में समझाता हूँ।
ठीक है, आज का वीडियो ऐसा रहेगा कि आपको इससे संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम हो अच्छे से आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से। देखिए अब एक स्क्रीनशॉट और लिया है मैंने, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लिया है, ये रहा, आप देखिए यहाँ पे। कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझाने की, अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, ये आईसी है हमारी, डिस्प्ले लाइट आईसी है। इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये जो आप कॉइल देख रहे हैं, इस पर ये जो आप कॉइल देख रहे हैं इसमें, ये जो हमारी कॉइल है इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो कॉइल है यहाँ से ये लाइन निकलती है, इससे लाइन निकलती है, इस पर जाती है, ठीक है, इस पर जाती है, इस पर जाने के बाद कहाँ जाती है, कॉइल के बाद ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे इस तरीके से इस डायोड पे होती हुई आईसी के इस पॉइंट पे चली जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके बाद क्या होगा, देखिए एक लाइन और है हमारी इसके अंदर, यहाँ से ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें जुड़ा है, और इधर से ये कंपोनेंट हमारा ग्राउंड है। ये जो रेजिस्टेंस है -10 ओम का है, ये रेजिस्टेंस है -10 ओम की है, 10 ओम का माइनस, ये आगे बात करेंगे माइनस। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे जुड़ा, और ये जो लाइन है यहाँ से लाइन निकलती है। अब इसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पर रुकी, रुकने के बाद क्या होगा, यही लाइन डायोड के माइनस से होती हुई यहाँ से, अभी क्या होगा, डायोड का सिंबल हमारा अंदर किस तरीके से रहता है, इसके अंदर इस तरीके से माइनस इधर प्लस इधर रहता है। अब जो ये जो डायोड के माइनस की लाइन है, ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, देखिए जो मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई बोर्ड आता है तो इसी तरीके से आपको उसको रिपेयर करेंगे। ये दो पॉइंट हमारे इस तरीके से जुड़े हुए, इसके बाद यही लाइन हमारी यहाँ से होती हुई इस पर जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंपोनेंट हमारा कॉइल, इसमें क्या लगा है, कॉइल। अब जो हमारी कॉइल लगी है, ये जो लाइन है कॉइल से होती हुई यहाँ से होती हुई यहाँ पे इस पर जाती है, यही लाइन हमारी जो दो लाइनें थी यहाँ से निकलती हैं, दोनों लाइनें अलग अलग आगे जाके एक होने के बाद ये यहाँ पे जुड़ जाती हैं, इस तरीके से आपने देखा ये जुड़ती हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इस पर चेक करते हैं बोनियो के अंदर, हर चीज़ के अंदर चेक करते हैं कि इनका जी आर ओके है, सब कुछ ओके, फिर भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए वही चीज़ मैं आज आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी कौन सी है, ये जो लाइन है हमारी इसके अंदर, इस लाइन को कहते हैं BPH, कि क्या कहते हैं इसको, BPH पावर लाइन। ये वीडियो आपने देख लिया तो डिस्प्ले सेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। अब जो BPH पावर लाइन है, हर फोन के अंदर चार्जिंग आईसी से बनती है, यहाँ से BPH पावर लाइन हमारी इस तरीके से यहाँ से बनती है आईसी से। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाते हैं, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद बैटरी हमारी कितनी चार्ज होती है, 3.8 से 4.2 तक चार्ज रहती है। बैटरी क्या होती है, 3.8 से 4.2 तक चार्ज रहती है। जैसे ही आप इस पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की सप्लाई हमारी सबसे पहले इस आईसी के अंदर इन होगी, इस आईसी के अंदर इन होने के बाद, इस आईसी के अंदर इन होने के बाद जब ये BPH पावर लाइन बनेगा, तो हमारा BPH पावर लाइन कहाँ जा रहा है, बूस्ट कॉइल पे, ठीक है, बूस्ट कॉइल पे जा रहा है। इस पे बूस्ट कॉइल पे जाने के बाद इस कॉइल से हमारा आईसी की दो पॉइंट पे जा रहा है, इस तरीके से लाइन हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब इसमें कितना वोल्ट मिलेगा, जितनी बैटरी चार्ज होगी, मान लो बैटरी हमारी 4.1 तक चार्ज है, 4.1 तक चार्ज है, अब बूस्ट कॉइल ठीक होगी तो इस पर मिलेगा हमारा 4.1, डायोड ठीक होगा तो इस पर मिलेगा हमारा 4.0 या 3.9, कुछ वोल्टेज थोड़ा सा कम करके इस तरीके से डायोड के माइनस पे मिलेगा। डायोड के माइनस पे वोल्टेज मिलने के बाद, जब डायोड के माइनस पे वोल्टेज मिल जाएगा, तो ये लाइन हमारी यहाँ से निकलती हुई और आगे जाती है, आगे कहाँ जा रही है, ये डिस्प्ले की इस पॉइंट पे। तो इस वाली पिन पे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा वोल्टेज, जितना हमारा वहाँ था, मान लो जितना भी है 3.8 4.1, इस तरीके से जितना डायोड के माइनस पे होगा उतना वोल्टेज आपको इस पॉइंट पे आना चाहिए। इस पॉइंट पे वोल्टेज आता है या डायोड के माइनस पर सप्लाई आती है, डायोड के माइनस पर सप्लाई आती है और डिस्प्ले कनेक्टर पर नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, इस पर यहाँ से एक जम्पर लेंगे,
और सीधा आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन पिन पता करने के बाद। इसके बाद हमने चेक किया, इस पर भी जी आर ओके, इस पर भी जी आर ओके, तो ये लाइन कहाँ से ओके हैं? ये लाइन हमारी आईसीस तक जुड़ी हैं। डायोड के माइनस पर भी वोल्टेज है तो डिस्प्ले कनेक्टर पर भी वोल्टेज है। यहाँ पे इस लाइन पे ये जो लाइन है हमारी पी, ये जो लाइन हमारी, इसमें कलर चेंज करता हूँ मैं, हाँ ये चेंज किए, ये जो लाइन हमारी यहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ये लाइन यहाँ से निकलती है। अब ये जो लाइन निकलती है हमारी, इसे कहते हैं पी डब्ल्यू एम आउट, पी डब्ल्यू एम आउट। अब ये जो लाइन होती है हमारी, ये यहाँ से कहाँ जाती है? ये जो लाइन रहती है हमारी यहाँ से निकलती है सीधा पावर आईसी के अंदर, पीएमआईसी के अंदर ये लाइन हमारी यहाँ से इनपुट होती है। अब एक लाइन जो कि इसमें बोर्नियो में नहीं बताते, ये जो लाइन होती है कुछ बोर्नियो में बताते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताते, यही लाइन हमारी यहाँ से निकलती हुई डिस्प्ले कनेक्टर की एक पिन पर जाती है, डिस्प्ले कनेक्टर एक पिन पर जाती है जो कि बोर्नियो के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाती। बोर्नियो के अंदर इतना बताया गया है हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जब चेक करेंगे, लेकिन आपको स्मैटिक की नॉलेज है तो पूरा आप इसमें जान सकते हैं। अब इसके अंदर क्या खराब होने से क्या होगा, देखिए अब आपको समझना है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें, देखिए अब यहाँ पे ये कॉइल ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, डायोड पर वोल्टेज आएगा नहीं आएगा? कॉइल ख़राब होने से डायोड पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, चलो कॉइल ठीक है, और यहाँ पर ख़राबी हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? यदि दो तरीके से लाइनें होती हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ दोनों तरीके, जैसे कि दूसरा, जैसे ए लाइन हमारी यहाँ पे कॉइल पे आके यहाँ पे इस तरीके से पहले इस पे आना चाहिए कॉइल पे, यहाँ से इनपुट होके फिर आईसी पे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से कॉइल ख़राब हो गई तो डिस्प्ले आईसी को वोल्टेज नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। अब कॉइल ख़राब है, कहीं भी प्रॉब्लम था, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल सा बैटरी लगाएं, डायोड के प्लस पे चेक करें, वोल्टेज इतना है तो इसका मतलब है कि बूस्ट कॉइल ओके, बीपीएस पावर लाइन हमारी ओके है, डायोड के माइनस पर वोल्टेज है तो डिस्प्ले कनेक्टर पर पहुंच जाएगा, इतना सब कुछ ओके है। अब बात करते हैं जो ये लाइन है हमारी एलईडी डी के की जो लाइन है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक की, यदि इस लाइन के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा है ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है, लाइन ब्रेक होती है यहाँ से तो क्या होगा? देखिए ये रेजिस्टेंस ख़राब होने से क्या होगा कि जो आपका सर्किट है, अब आप यहाँ पे देखें इस आईसी की जो लाइन है, कौन सी वाली जो लाइन है एल ई टी के, एक लाइन एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड की है आईसी की स्विचिंग कराने के लिए। जब तक इस आईसी की स्विचिंग इस आईसी से नहीं होगी और रेजिस्टेंस से नहीं होगी, जब तक बूस्ट वोल्टेज आपका नहीं बनेगा। चाहे आप इसमें सीपीयू डालें, पावर आईसी डालें, डिस्प्ले कनेक्टर बदलें, कितना भी होल्डर चेंज करें, कुछ भी करें, इसमें डिस्प्ले लाइट आने वाली नहीं है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जीआर चेक करते हैं, इन पर जीआर ओके, और आप परेशान हो जाते हैं, बीपीएस पावर लाइन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ करके हार चुके हैं। तो आपको इस फ़ोन के अंदर का, किसी भी फ़ोन के अंदर यदि ये आईसी मिलती है तो क्या करेंगे, ये सब कुछ ठीक होने के बाद आपको ये चेक करना है क्या ये जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है या सही है। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको चेक करनी है कि जो हमारी ये ख़राब है या ठीक है। यदि ये रेजिस्टेंस ख़राब हुई तो आपकी डिस्प्ले पर लाइट आने वाली नहीं है। यदि मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल दूँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस फ़ोन के अंदर या कोई भी फ़ोन आता है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ चार्जर लगाता हूँ तो आप देखेंगे गौर से, ये तो रेडमी 5A का मॉडल है, ये डिस्प्ले आया इसके अंदर, क्या हुआ डिस्प्ले आ रहा है आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये ओके है। यदि मैं इस फ़ोन के अंदर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा दूँ तो क्या प्रॉब्लम बनेगी, डिस्प्ले पे नो लाइट, और यहाँ पे क्या होगा, सब पे जीआर ओके मिलेगा, इस पर क्या होगा जीआर ग्राउंड के साथ में रीडिंग आएगी वो ओके मिलेगी। अब इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, चेक करता हूँ, आपके पास मल्टीमीटर है, मदरबोर्ड है तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो मीटर को डायोड की रेंज पर लगाने के बाद मैं चेक करा देता हूँ यहाँ पर जीआर कितना आ रहा है, इस पे हमारा 573 74 75 के करीब है, ये लाइन हमारा इसमें नहीं था, ये लाइन ग्राउंड है, ये लाइन ग्राउंड है, देखिए ये दोनों लाइन हमारी ग्राउंड है, आप आवाज़ सुन सकते हैं बीप की, ये दोनों लाइन हमारी ग्राउंड हो रही हैं जो कि मैंने बताया था एल ई डी के। अब ये ग्राउंड क्यों है,
देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है इसके अंदर हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, और आप कोर्स करना चाहते हैं इसी तरीके से प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए ये जो मैंने बताई थी एलईडी डी के जो आपको बताया था मैंने लाइन, अब इसमें क्या है कि जो हमारा एलईडी डी की लाइन है ये रेजिस्टेंस है। देखिए ये लाइन हमारी क्या है, ग्राउंड से बज रहा है, ये भी बज रहा है, ये ग्राउंड है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, कम वैल्यू का है जो अभी आपको बताया था। अब ये देखिए ग्राउंड से बज रहा है, पूरा देख सकते हैं आप अच्छे से सारी चीज़ें, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से निकाल दें तो पहली बात तो ये आईसी की स्विचिंग नहीं होगी क्योंकि ये ग्राउंड से हट गया, जो नीचे के पॉइंट थे उसमें भी दिक्कत आपकी आएगी। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालेंगे, देखिए ये रेजिस्टेंस था हमारा, इसको बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको चेक कराऊंगा। मैंने पहले ही कहा था इस तरीके से वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है जैसा मैं आज आपको बना के दे रहा हूँ, और कोशिश करूँगा इसी तरीके से आपको वीडियो देने की। थोड़ी वीडियो लंबे तो बनेंगे पर आपको जानकारी इनमें पूरी अच्छे से सीखने को मिलेगी। देखिए थोड़ा सा फ्लेक्स लगा दिया मैंने। अब जब आप यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ से निकालने से पहले जो हमारा ट्यूजर है ये देखेंगे पकड़ पाता या नहीं। देखिए यहाँ पकड़ लेगा और आराम से इसको बाहर खींच सकते हैं। तो हम इस पर हिट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के बाद सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दिखाऊंगा जिससे कि आपके पास ये फॉल्ट आता है। आप कहते हैं ना सब कुछ ओके फिर भी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा, इस कंपोनेंट को ख़राब होने से या निकलने से क्या होगा। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, देखिए ये मैंने निकाला और वापस इसे लगाऊंगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ अच्छे से। तो पहले जो हम समझा रहे हैं पहले आपको वो चीज़ें समझनी है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैंने पहले ही कह दिया था ये वीडियो आपको यूट्यूब पे पूरे पे मिलने वाला नहीं है। फॉल्ट तो सब ठीक करते हैं लेकिन फॉल्ट बना के ठीक करना एक अलग चीज़ है जिससे कि आपको लाइव समझ में आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डिस्प्ले कनेक्टर था, मीटर को बजर मोड पर लगा दिए हैं, लगाने के बाद एक पॉइंट में ग्राउंड कर देता हूँ। एक पॉइंट ग्राउंड करने के बाद मदरबोर्ड को ठंडा भी करेंगे और ऑन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे इस पर हमारा जीआर है, ये लाइन ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा, इस पर जीआर आ रहा है क्योंकि जीआर जो आ रहा है किसका आ रहा है, इस पर आ रहा है मेरा 566 के करीब, इस पर भी हमारा सेम है। अब जो जीआर है अब हम चेक करेंगे डिस्प्ले लाइट पे, जो डिस्प्ले लाइट है जो आईसी है हमारी, एक पॉइंट ग्राउंड कर देते हैं, ये रहा ये ग्राउंड की है। ग्राउंड करने के बाद जो हमारी आईसी थी इसको चेक करेंगे, जो ग्राउंड बज रहा था देखिए ये ग्राउंड नहीं बज रहा, इधर चेक किए ग्राउंड से बज रहा है इधर नहीं बज रहा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ था, जो ये फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस था लो वैल्यू का ये हमने निकाल दिया। इसने क्या किया था, इस आईसी के पॉइंट को यहाँ से जोड़ के ग्राउंड में जोड़ दिया था, तो इस आईसी की स्विचिंग हो रही थी। अब हम फोन को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो पहले बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, बोर्ड को ठंडा होने के बाद आपको सारी चीज़ें मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। जैसा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ना इसी तरीके से आपको हम अपने क्लास में सिखाते हैं, और हमारे यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अभी अपना यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, आप भी आना चाहते हैं ये भी जानकारी देंगे कि यूट्यूब पर किस तरीके से काम करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है तो हम भी उनका सपोर्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पर, और आपको हमारे पास आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप मेरे पास क्या कहीं भी नहीं सीख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या था, ये फ़ोन था, मैंने खोलने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब इसमें हम चार्जर लगाते हैं,
ठीक है, फ़ोन वाइब्रेट किया लेकिन डिस्प्ले पे देखेंगे आप इसमें कुछ नहीं है, इसकी डिस्प्ले पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं है। लेकिन अभी मैंने चेक कराया था, इस पर GRB था, सब कुछ ओके था, लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो एक रेजिस्टेंस थी उसको ख़राब होने से या उसको टूटने से GR सब कुछ ओके मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, ना ही आप जला सकते। जैसे आप उस रेजिस्टेंस को लगाते हैं डिस्प्ले पे लाइट आएगी। तो बात तो छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए नहीं पता है उनके लिए। तो IC की स्विचिंग के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जंपर यहाँ पर ना लगाएं। जंपर भी काम कर सकता है, ट्राई कर सकते हैं, पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर खोलने के बाद मैं जो है वही रेजिस्टेंस यहाँ पर वापस लगाता हूँ और फिर आपको ये चीज़ें मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने जाने के बाद, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं, अपने वीडियो डालते हैं अच्छे अच्छे, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप भी हमारे पास आना चाहते हैं तो हर तरीके की आपको जानकारी मिलेगी, सीखने की भी मिलेगी, YouTube से संबंधित भी मिलेगी, और आपका सपोर्ट भी हम करेंगे YouTube के लिए, जैसा उन लोगों का करते आ रहे हैं शुरू से। हर तरीके की सपोर्ट हमारे यहाँ से आपको मिलेगी, आपके पास सबसे पहले भेज दिया जाएगा। और आप सीखना ही चाहते हैं और आपका बहुत मन है सीखने का, या आपको काम करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन आप हमारे पास आएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आप मेरे पास में सीख पाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप मेरे पास ना आए। तो मेहनत करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास में आ सकते हैं। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, बोर्ड को ठंडा करेंगे एकदम। बोर्ड को ठंडा होने के बाद ही आपको इस पर कुछ करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, क्या हुआ, रेजिस्टेंस लग गया। अब इसकी IC की क्या होगी, स्विचिंग। अब स्विचिंग तो हो गई इसकी, अब इसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ एक बार। मीटर को बजर मोड पर लगाती है, इसको चेक करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, मीटर बजर मोड पे है और आप देखेंगे यहाँ पे ये अभी हमारा ग्राउंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए अब आपको गौर से देखना है इस पे, इसका ग्राउंड ना होने का कारण क्या होगा। रेजिस्टेंस तो लगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा, जूम करते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ होंगी जब आप काम करेंगे, आप सोचेंगे रेजिस्टेंस लगा है इस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा। तो देखिए जो रेजिस्टेंस था इधर ग्राउंड से है, इधर भी ग्राउंड है। अब यहाँ चेक करेंगे, देखिए इधर ग्राउंड नहीं हो पा रहा, इधर ग्राउंड है पर ये IC पे ग्राउंड नहीं हो रहा, जो कि हमारा ग्राउंड से ये होना चाहिए। अब इसके अंदर दिक्कत कहाँ हो सकती है, इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? जो हमारी IC है या जो हमारा रेजिस्टेंस लगाया है वो आपको एक बार हल्का सा हिलाना है, क्योंकि जब आप हीट करते हैं तो थोड़ा सा हिल भी सकते हैं, लूज भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान देना, बात तो छोटी छोटी है पर ये चीज़ आपको काम करने में बहुत परेशानियां देंगे। ये रेजिस्टेंस भी हिला दिया मैंने, IC भी हिला दी, दोनों चीज़ें मैंने हिला दी हैं इसमें। अब चेक करेंगे एक बार क्या हमारा जो ये था वो ठीक हुआ या नहीं। जब तक यहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा डिस्प्ले कनेक्टर पर, जब तक आपका इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड आया, इस पर भी आया, डिस्प्ले करेक्टर पे देखते हैं इस पर। अब इसके बाद IC पे चेक करेंगे, देखिए ग्राउंड हुआ बिल्कुल। अब इस समय हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई, तो बोर्ड को ठंडा होने के बाद
ठंडा होने के बाद इसको क्लीन करना है आपको अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है। गर्म वाटर पर आपको कुछ नहीं डालना है, तो प्रॉब्लम सही करने की जगह प्रॉब्लम इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं तो आपको इनमें बहुत परेशानी भी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी डिस्प्ले लाइट सेक्शन को आसानी से बना लेंगे। इसको क्लीन किए, देख सकते हैं आप अच्छे से। क्लीन करने के बाद बोर्ड को ठंडा होने के साथ साथ हम इसमें लगाते हैं, इसमें लगा देते हैं। और चार्जर या बैटरी आपको जब ही लगानी है जब ये प्रॉपर तरीके से ठीक और ठंडा हो जाए। यहाँ पे जो मैंने बताया था सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो डिस्प्ले कनेक्टर और लाइट सेक्शन के बारे में जानकारी थी, क्या निकालने से क्या होता है, कहाँ से सब कुछ होने पर भी सब कुछ ख़राब है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम चार्जर लगाते हैं या बैटरी आप लगा के चेक करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा कि आपको मालूम पड़ेगा किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो छोटी सी रेजिस्टेंस से क्या प्रॉब्लम आई मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल के साथ बताया। इस फ़ोन के अंदर नहीं, किसी भी फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिपेयर इस तरीके से करना है। सब कुछ ओके है, जो डिस्प्ले लाइट आईसी है सब कुछ ओके है, डिस्प्ले लाइट आईसी है। तो आपको क्या करना है उसको ये देखना है कहीं स्विचिंग ब्रेक तो नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इसी तरीके से और अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, ये तो हमारे डेमो वीडियो होते हैं जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ट्रेनिंग हमारे पास आके ले सकते हैं।